लेट्स डिस्कस कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं. तो ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है. स्टेप वन इज़ डिफाइन एक्स एंड वाई एक्सिस. इन फिज़िक्स जब भी एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं तो एक एरो शो कर देना चाहिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है. सेकेंड स्टेप है रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन. तो वेक्टर को ओरिजिन से रीड्रॉ कर लिए. और थर्ड स्टेप में ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये हेड ऑफ वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ऑन एक्स एक्सिस. फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एम. और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ऑन वाई एक्सिस. फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एम. ये जो डिस्टेंस है ओ टू एम, इसको कहते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए. सो वी राइट दिस एज ए सबस्क्रिप्ट एक्स. सिमिलरली ओ एन डिस्टेंस है अलॉन्ग वाई एक्सिस. दिस इज नोन एज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वी राइट दिस एज ए सबस्क्रिप्ट वाई. फाइंडिंग कॉम्पोनेंट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस. स्टेप वन डिफाइन एक्स एंड वाई एक्सिस. इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, एरो एक ही डायरेक्शन में होगा. बोथ साइड विल नॉट शो एरो. ये एरो इंडिकेट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ऐसा क्यों करते हैं, आई विल डिस्कस दैट इन माई लाइव क्लास. सेकेंड स्टेप इज रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन. सो जो भी वेक्टर है जिसको रिजॉल्व करना है उसको ओरिजिन से रीड्रॉ कर लेंगे. एंड इन थर्ड स्टेप ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये हेड है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और ओ से एम, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स के लॉन्ग है तो ये एक्स कॉम्पोनेंट है, और ये वाई के लॉन्ग है, दिस इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर. क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर. सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, दे आर गिवन. वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्पोनेंट. पहले इस वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट निकालते हैं. तो एज वी डिस्कस्ड अ मोमेंट अगो, फाइंडिंग कॉम्पोनेंट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस. तो स्टेप वन में पहले डिफाइन कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y axis. Then step 2, redraw vector from origin. तो उस vector को origin से redraw कर लेते हैं. और step 3 में इस vector के head से perpendicular drop कर देते हैं on x axis and y axis. तो this distance between tail of vector and foot of perpendicular along x axis is known as x component. और ये जो distance है that is y component. सेकेंड वेक्टर दैट इज वेक्टर बी. तो पहला स्टेप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर लिए. सेकेंड स्टेप में वेक्टर रीड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम ओरिजिन. तो ये वेक्टर बी ऐसा गिवन था. और थर्ड स्टेप में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ऑन एक्सिस. तो ये डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स के लॉन्ग है तो ये एक्स कॉम्पोनेंट कहलाएगा. और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, दिस इज नोन एज वाई कॉम्पोनेंट. वेक्टर सी को रिजॉल्व करते हैं. तो उसके लिए भी सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा डिफाइन कर लें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये एक्स है, दिस इज वाई एक्सिस. देन रीड्रॉ वेक्टर सी फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से रीड्रॉ कर लिए. और नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑन एक्सिस. तो ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. दिस इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर सी एंड दिस इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर सी. एंड लेट अस रिजॉल्व वेक्टर डी ऑल्सो. तो अब एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं. इस एक्स और वाई में एक एरो शो करते हैं जो क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन. फिर जो भी वेक्टर है जिसको रिजॉल्व करना है उसको कहाँ से रीड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन. और लास्ट स्टेप में इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस डिस्टेंस जो एक्स के लॉन्ग है वो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, और जो डिस्टेंस वाई के लॉन्ग है वो वाई कॉम्पोनेंट होगा. So in this way, a vector can be resolved. Now, अब इस चार डायग्राम में एक पॉइंट अगर केयरफुली देखा जाए तो अगर फर्स्ट केस को देखें तो ये x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट
दोनों ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, ये पॉजिटिव वाई के लॉन्ग है। वेक्टर बी में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है और ये पॉजिटिव वाई। वेक्टर सी में एक्स नेगेटिव, वाई ऑल्सो इज नेगेटिव। एंड वेक्टर डी एक्स कंपोनेंट ये मेज़र कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वाई कंपोनेंट मेज़र कर रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो अब ये क्वेश्चन है कि कैन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी नेगेटिव, कैन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी नेगेटिव, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी नेगेटिव, आंसर इज यस। कब कब हो सकता है? तो व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट इज डिस्टेंस बिटवीन टेल ऑफ वेक्टर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इफ यू मेजर दैट डिस्टेंस ऑन नेगेटिव एक्सिस देन इट इज नेगेटिव। कैन कंपोनेंट बी जीरो? यस, व्हेन इट वेक्टर लाइज अलोंग एक्सिस। डिटेल आई विल डिस्कस इन माई लाइव क्लास।